अच्छा जी, गाड़ी तो देख ली है जी, आज तक आपने कभी रियल में गाड़ी देखी है? नो, यस करे कि इस गाड़ी का नाम क्या है? नो, बुगाटी। वाओ, बुगाटी, बुगाटी डिवो का, ये बुगाटी डिवो है और दो। अच्छा, फिर मुझे आइडिया नहीं है ना। आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे बताइएगा कि गाड़ी आपको लुक वाइज कैसी लगी है? जी, बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, लास्ट पे उस्ताद जी की कह रहे हो, इतनी सी गाड़ी है, दो बंदे बैठते हैं सर, मेहरान में पांच बंदे बैठते हैं, इसका इंजन लगा हुआ है जी, मेहरान में पांच बंदे बैठते हैं, 12 लाख दी लग रही है भाई, क्या हो गया? ये गाड़ी है दुनिया में ही है? जी जी सर, दुनिया में ही है। और नहीं, ये मुझे लग रहा है ये कुछ एलियंस वगैरह के पास होगी, ऐसी गाड़ियाँ पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती, दुनिया में नहीं हो सकती यार भाई, क्या हो गया? वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मेरा नाम तकदीस है। तकदीस जी, क्या मतलब है तकदीस का? पाकीज़गी। पाकीज़गी, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा नाम है। मुझे ये बताइएगा कि गाड़ियों का शौक़ है आपको? यस, व्हाई नॉट, किसको नहीं होता, किसको नहीं होता, ज़बरदस्त, फंटेस्टिक जी। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो भी गाड़ी से रिलेटेड है, तो मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो आप ये गाड़ी देखिएगा लुक वाइज और इंटीरियर वाइज, ये गाड़ी देख के बताइएगा कैसी लगी। इट्स रियली कूल। इट्स वेरी कूल, यस। इसमें ऐसी क्या चीज़ जो आपको बहुत पसंद आई है? उसकी लुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, एंड द कलर इज रियली अमेजिंग। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, ये रेसिंग कार है। ओह वाओ। और इस गाड़ी का जो इंजन है वो 8000 cc का इंजन है। दैट्स अमेजिंग। जो नॉर्मल हमारी गाड़ी का इंजन हो तो 2000 cc का होता है, और जो कि इस गाड़ी का इंजन है 8000 cc। और गाड़ी देख के बताइएगा कैसी लगी? कूल, ओवरऑल रिव्यू इसको, ज़बरदस्त। प्राइस की बात करते हैं, क्या प्राइस होगी पाकिस्तान में? लाइक 1.5 करोड़। 1.5 करोड़, ऑलमोस्ट तकरीबन जो है इस वक्त पाकिस्तान में इस गाड़ी की जो कीमत है वो 2 अरब के राउंड अबाउट है। ओह वाओ, यानी कि 200 करोड़। क्या कहेंगे अगर इंडिया में देखा जाए, क्या प्राइस होगी? आई डोंट नो, आप बताएं। इंडियन प्राइस जो है कम से कम 50 करोड़ के राउंड अबाउट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी नुज़त। नुज़त, नुज़त मुझे बताइएगा कि गाड़ियों का शौक है आपको? जी जी, गाड़ी किसको अच्छी नहीं लगती, गाड़ी किसको अच्छी नहीं लगती, बड़ी अच्छी बात की जी। बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है वो भी गाड़ी से रिलेटेड है, मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो आप ये गाड़ी लुक वाइज और इंटीरियर वाइज देख के बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको? वाओ, नाइस, अच्छी लगी है जी, और जी बड़ी अच्छी लगी है मुझे, वाओ नाइस, फैंटास्टिक है। और अगर चलाने का मौका मिले इतनी फास्ट रेसी गाड़ी तो चलाएंगी? जी जी जरूर, क्यों, कौन नहीं चलाता, कौन नहीं चलाता, ज़बरदस्त जी। प्राइस की बात करते हैं कि ये गाड़ी जो है इसकी कीमत क्या होगी अगर पाकिस्तान में देखी जाए तो? इसकी कीमत 1 करोड़ तक। 1 करोड़ तक, लेकिन इस गाड़ी की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, कम से कम पाकिस्तान में 2 अरब के राउंड अबाउट है। ये तो हमारी पहुंच से बाहर है, फिर हमारी पहुंच से बाहर है। इंडिया में वहाँ पे 3 अरब। 3 अरब वहाँ पे कम है, वहाँ पे कम से कम 50 करोड़ की है। अच्छा, फिर मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे बताइएगा कि गाड़ी आपको लुक वाइज कैसी लगी है? जी बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, लास्ट पे देखा जाएगा, इंडिया में गाड़ी की कीमत बड़ी कम होती है बनिस्बत पाकिस्तान के, क्या कहेंगी इस हवाले से? क्योंकि इंडिया का मुझे पता नहीं है ना, वहाँ पे ये आबादी तो ज़्यादा, वहाँ पे महंगाई वगैरह तो उस लिहाज से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन देखा जाए वहाँ पे गाड़ी सस्ती इस वजह से भी है, वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर की जा रही है। अच्छा जी, गाड़ी तो देख ली है जी, आज तक आपने कभी रियल में गाड़ी देखी है? नो, यस करे कि इस गाड़ी का नाम क्या है? नो, बुगाटी। वाओ, बुगाटी, बुगाटी डिवो का, ये बुगाटी डिवो है और 2023 मॉडल है, जो कि बहुत कमाल की गाड़ी है। ओवरऑल आपने लुक देखी और आपको बहुत अमेजिंग लगी। अगर बात करें किस कंट्री की है? नो आइडिया, कोई गेस कर दे किस कंट्री की लग सकती है? अमेरिका। अमेरिका, लेकिन नहीं, ये गाड़ी है फ्रांस की। ओके, फ्रांस। गाड़ी तो आपने देखी, ओवरऑल रिव्यू भी दे दिया। लास्ट पे हमारे देखने वाली ऑडियंस को क्या मैसेज देंगी? गाड़ी बहुत अच्छी है, और ड्यू टू इन्फ्लेशन हमारे आजकल हालात इन्फ्लेशन है, और वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर की जा रही हैं गाड़ियाँ, और हमारे पाकिस्तान का कोई भी एक लोकल ब्रांड नहीं है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, वहाँ 40 से ज़्यादा लोकल ब्रांड है, क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तान को भी मतलब तरक्की करनी चाहिए, और हमें चाहिए कि अपने मुल्क को सपोर्ट करें ऐसे हालात में, बस यही है। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये गाड़ी गैस करें कौन सी हो सकती है?
सर कोई स्पोर्ट्स कार लग रही है, स्पोर्ट्स कार लग रही कोई महंगी वाली लग रही है, स्पोर्ट्स कार काफी मजे की। और इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, पहले आप छोटी सी वीडियो मैं वही देख रहा हूँ कि ये गाड़ी जब आप स्टार्ट होगी और आपकी आंखों के सामने गायब हो जाएगी, इतनी स्पीड इसकी गाड़ी की है। और इस गाड़ी के इंजन की बात करूं तो 8000 सीसी का इंजन है इस गाड़ी के अंदर, इतनी सी गाड़ी में, इतनी सी गाड़ी में। क्या बात है, क्या बात है सर। और इसकी स्पीड आप देखिए, इस टाइम आप शायद देख सकते हैं 312 14 16 18 मैक्सिमम जो कि अभी तक इसमें दिखाई जा रही है जो वो 400 तक दिखाई गई है। ये कि गाड़ी का नाम बताऊंगा तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। जी जी, ये बुगाटी। ओ सर बुगाटी, इतनी बड़ी आप गाड़ी का नाम ले रहे हैं तो बनता है सर, बनता है। अच्छा प्राइस की बात करें पाकिस्तान में तो कितने की हो सकती है ये बुगाटी? सर मेरे ख्याल में कोई 10-12 करोड़ के करीब तो होगी। सर 10-12 करोड़ बता रहे हैं। सर इस गाड़ी की जो कीमत है, जो लेटेस्ट 2023 मॉडल है बुगाटी डीवो, इस 1.5 से 2 अरब रुपए है। जी की कह रहे हो, इतनी सी गाड़ी है दो बंदे बैठते हैं सर, मेहरान में 5 बंदे बैठते हैं, इसी का इंजन लगा हुआ है जी, मेहरान में 5 बंदे बैठते हैं, 12 लाख की लग रही है सर। रेसी गाड़ी है, और इस तरह की गाड़ी आपको हमारे पाकिस्तान में मैंने नहीं देखी अभी तक, आपने देखी है? नहीं सर, बुगाटी मैंने नहीं देखी पाकिस्तान, बुगाटी पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखी, लगता कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी तक पाकिस्तान में है ही नहीं, है ही नहीं किसी का सर, जितना आपने पैसा बता दिया है कहाँ से लेके आए, कहाँ से लेके आए। लेम्बोर्गिनी देख सकते हैं, अक्सर किसी के पास हो सकती है, लेकिन लेम्बोर्गिनी जो है वो तकरीबन 50 करोड़ के राउंड अबाउट है, वो मिल देखने को नजर आ जाती है शादो नजर कहीं पे। हाँ जी, ये किस कंट्री की हो सकती है बुगाटी? तो चले कंपनी तो बुगाटी है, लेकिन बनाई कहाँ गई? जी जी सर, ये यही कोई इंग्लैंड वाली साइड पे, अमेरिका, यूएसए। गैस तो आप तकरीबन करीब करीब पहुँच गए, ये फ्रेंच की मैन्युफैक्चरर है। फ्रेंच मतलब ये फ्रांस की? फ्रांस की। जी जी, क्या कहेंगे सर, गाड़ी देख के तो कुछ सर वो उनका लेवल हो उनका लेवल है। और दूसरी बात, इस तरह की गाड़ी हमारे रोड्स के लिए वैसे भी कंपेटिबल नहीं है। बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, हमारे रोड सर जो हमारे लाहौर के जो इवन के रोड है उसके ऊपर मीरा गाड़ी जो आपको पता थोड़ा सा उसका जो है ना स्पेस जो है वो कम है कम तो वो लग जाती है, मीरा लग जाती है। देखें आप वो गाड़ी जिसकी मैं बात करूं इसके लिए तो स्पेशल रूट्स बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और पाकिस्तान में तो इस तरह की गाड़ी नहीं हो चलेगी, तो नहीं चली सकती, चली वो दूसरे दिन तड़वा के बैठा हो। नहीं सर जी, चाली भी नहीं सकती, कोई लैब नहीं सकते। अच्छा सर, बात करें हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया में तो वहाँ पे क्या प्राइस हो सकती है इस गाड़ी की? वहाँ पे प्राइस दूसरी पाकिस्तानी क्या बढ़ाई है जो कि तकरीबन 2 अरब है? तकरीबन 2 अरब है वहाँ पे। फिर सर ये होगी अगर उनके मनी का हिसाब लगाया जाए तो 2 अरब है तो कोई अरब के करीब होगी, अरब के करीब होगी। लेकिन वहाँ पे इस गाड़ी की कीमत है 56 करोड़। 56 करोड़, बड़ा फ़र्क है सर, बड़ा फ़र्क है। और सर इसके अलावा अगर व्हीकल्स की बात करें, चलो वहाँ पे तो ये तो गाड़ी बाहर की है, बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तान का कोई अपना एक लोकल ब्रांड बता दे जो हम लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अच्छी गाड़ी बना रहे हो। सर बना तो रहे हैं यूनाइटेड ब्रावो सर, वो बताएं को कितना फेमस हुआ है, वो तो फ्लॉप हो गई ब्रावो है, और उसमें तो एयर बैग ही नहीं होता, एक पर्ल और यूनाइटेड दोनों ही है लेकिन दोनों ही फ्लॉप हो गए, बिल्कुल उनमें एयर बैग ही नहीं होते जिसकी वजह से लोग उसको प्रेफर ही नहीं करते, प्रेफर ही बिल्कुल ऐसे ही, वो उसकी सस्पेंशन वगैरह भी इस तरह से नहीं है। अच्छा अगर हम अपने हमसाया मुल्क को अगर इंडिया को देखा जाए, वहाँ तो 40 से ज़्यादा ब्रांड है जिसमें टाटा है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी, ये वो ब्रांड है जो टॉप लेवल के ब्रांड है और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर जी उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग है, वो तो मिसाइल बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, गाड़ी बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, जो रॉकेट सैटेलाइट बना के भेजी जा रहे हैं, रॉकेट बना के खला में भेजी जा रहे हैं, तो उनके लिए गाड़ी बनाना तो कोई मुश्किल, गाड़ी बनाना मुश्किल नहीं है। ये भाई क्या हो गया, ये गाड़ी है दुनिया में ही है? जी जी सर, दुनिया में ही है। और इसकी नहीं, ये मुझे लग रहा है ये कुछ एलियंस वगैरह के पास होगी, ऐसी गाड़ियाँ पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती, दुनिया में नहीं हो सकती यार, भाई क्या हो गया? सर रियल में गाड़ी है और गाड़ी का नाम है बुगाटी और 8000 सीसी का इंजन है इस गाड़ी के अंदर, इस छोटी सी गाड़ी के। ओ माई गॉड, आप गाड़ी देख के बताएं कि ये गाड़ी जो है कभी पाकिस्तान में देखी है? पाकिस्तान में भाईजान देखी नहीं, पाकिस्तान फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मैं ये गाड़ी देख ही फर्स्ट टाइम रहा हूँ भाईजान आपके फ़ोन में,
इससे पहले मैंने गाड़ी को नहीं देखा इसको यार, और इस गाड़ी कमाल चीज है यार, शेप में देखे तो सही है, रेसी गाड़ी है और ये बुगाटी का नया मॉडल है, रेसिंग कार, रेसिंग कार। देख भाई महरान लो, ठीक है, मैक्सिमम वो जो थकी हुई महरान नहीं है उसके ऊपर 4 से 5 लाख रुपए लो, इस जैसी कार बनवा लो गया, गाड़ी तो बन जाती है। लेकिन ये कि 8000 cc की बात कर रहे हैं आप भाई, ये तो ट्रेन बना दी है, ब्रांड तो जारी सी बात है, लेकिन की गाड़ी आप ये देखें कि पाकिस्तान में चल सकती है, इस तरह की गाड़ी भजन पाकिस्तान में छोड़े आप, यहाँ पे जो है ना लाहौर या इस्लामाबाद में नहीं चल सकती है गाड़ी। अच्छा जी सर, भजन हमारे स्पीड ब्रेकर ही नहीं है इसके लिए बने हुए, बिल्कुल अगर होगी तो भाईजान कम अज कम आपके पास 100 करोड़ तो होना चाहिए, 100 करोड़ यानी कि 1 अरब भैया, लेकिन ये पाकिस्तान में जब गाड़ी आएगी तमाम टैक्सी डाल के कम से कम 2 अरब की है भाई, मतलब 200 करोड़, तो भाई इतना तो हमारी हुकूमत के पास बजट नहीं है, इतना तो हमारी हुकूमत के पास बजट नहीं है, तो आवाम के पास काम सी बात कर रहे हैं कि ये मतलब आवाम ले आएगी भजन। अगर अपने मसाय मौला की बात करें इंडिया की, तो वहाँ पे कितने की होगी, वहाँ पे ये कम से कम भी होनी चाहिए 80-90 लाख रुपए की होनी चाहिए, 80-90 लाख रुपए की इंडियन। लेकिन सर 80-90 लाख आप बहुत कम बता रहे हैं, वहाँ पे ये गाड़ी की जो कीमत है 50 करोड़ इंडियन प्राइस है, 50 करोड़ इंडियन, ओ सॉरी मैं 80-90 करोड़ की बात कर रहा था, लाख मैंने वाकई छोटा बोल दिया क्योंकि उनकी जो है ना करेंसी आज ही मैं देख रहा था वो कुछ 2.95 है।